मित्रों, ऐसा माना जाता है रात में 12 बजे के बाद तंत्र साधना बढ़ जाती है और नकारात्मक शक्तियां भी कई घरों में प्रवेश कर जाती हैं। और यदि ऐसे में आपके घर में भी नकारात्मक शक्तियां महसूस की जा रही है तो आप इसके बारे में एक गिलास पानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं। सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि कैसे, तो आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल माया लोक में स्वागत है। मित्रों, इससे पहले यह जान लीजिए कि अगर आपके घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आपके घर में भूतों का साया है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की दुर्घटना या आत्महत्या के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। यह भटकती आत्माएं कहीं आपके घर में तो नहीं घूम रही, यह जानने के लिए आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके घर में भूतों का साया है या नहीं। पहली बात, घड़ी का बार बार रुकना। आपने घर में घड़ी में नई बैटरी डाली हो लेकिन फिर भी वह एक निश्चित समय पर अक्सर रुक जाती है तो समझ जाएं कि आपके आसपास कोई है। इसके अलावा आपको अपने जीवन से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी व्यक्ति की याद दिलाती हो जो इस समय दुनिया में नहीं है तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। दूसरी बात, रात में आवाज सुनाई देना। अगर रात के समय आपको किसी के चलने की, दरवाजे पर दस्तक की, कोई सामान गिराने की या पायल की आवाजें सुनाई देती हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है। तीसरी बात, तितलियों का झुंड दिखाई देना। मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक हैं जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटी सी यात्रा तय कर रही है। अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता दिखाई दे तो समझ जाएं कि वह करीबी मनुष्य दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकल चुका है। चौथी बात, काली परछाई का दिखना। यदि आपको कोई परछाई दिखे और आसपास कोई व्यक्ति या जानवर नजर ना आए तो ध्यान कर लें कि आपके अलावा भी घर में कोई है और वह आपसे बात करना चाहता है। पांचवी बात, कंप्यूटर का अपने आप चालू हो जाना। ऐसा एक बार बताया गया है कि एक जगह रात में अचानक से सारे कंप्यूटर अपने आप चालू हो गए और उन सभी पर कुछ ना कुछ चलता हुआ पाया गया। वैसे अगर आपके घर में बंद कंप्यूटर पर ऐसा कुछ देखने को मिले तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गलत या नकारात्मक होने वाला है। छठी बात, जानवरों का अजीब व्यवहार। जब आपके घर का पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ अजीब व्यवहार करने लगे या रात में रोने की आवाज निकालने लगे तो समझ जाए कि वह घर में किसी अनजान या काले साए की मौजूदगी महसूस कर रहा है। सातवीं बात, रोने की आवाज आना। मित्रों, अगर आपको देर काली रात में किसी के रोने या सिसकियां लेने की आवाजें सुनाई देती है तो यह समझ जाएं कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में वास कर चुकी है जो काफी परेशान है। आठवीं बात, अलग अलग आवाजों को महसूस करना। अगर आपको अपनी आवाज अपने ही कानों में सुनाई दे तो समझ जाएं कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, तो अगली बार जब भी आप इन आवाजों को सुने तो एक कदम आगे बढ़ाकर जानने की कोशिश करें, आपको पूरी बात या उससे जुड़ी जानकारी पता चल जाएगी। नौवीं बात, लगातार कोई आपको देख रहा हो। ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें लगातार कहीं से खड़ा होकर देख रहा है, किंतु जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा होने पर समझ जाएं कि आपके लिए सही संकेत नहीं है। दसवीं बात, बल्ब का जलना और बुझना। बता दें कि आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आत्माओं का इलेक्ट्रिसिटी पर नियंत्रण होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर का नया बल्ब भी अजीबोगरीब तरीके से जलने या बुझने लगता है। यह सब किसी आत्मा की मौजूदगी का प्रमाण हो सकता है। तो मित्रों, यह तो आपने जाना कि आपके घर में भूत है, तो आपको कौन कौन सी घटनाएं महसूस होती हैं? लेकिन अब आपको बताते हैं कि एक गिलास पानी से पता कैसे कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं। इसके लिए आपको रात्रि के समय एक गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक और व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है, फिर उसको घर में ऐसे स्थान पर रखना है
जहाँ पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का अधिक एहसास होता हो। उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रह रही है, और अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। ऐसा करने को लेकर कहा जाता है कि इससे नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी के साथ रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे सभी को बहुत लाभ होगा। तो मित्रों, आपने जाना कि घर में भूत होने से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।